एशिया के सबसे बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट एशिया कप की शुरुआत होने जा रही है। एशिया कप 2022 27 अगस्त से 11 सितंबर के बीच खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में 6 टीमें हिस्सा लेंगी और साथ ही भारत डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर उतरेगा। बात करें अगर एशिया कप 2022 की तो पहला मुकाबला अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमें ग्रुप बी में शामिल है। आपको बता दें कि इनके अलावा बांग्लादेश भी ग्रुप का हिस्सा है। एशिया कप 2022 के पहले मैच की बात करें तो अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीम दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने होंगी, जहां दोनों टीमें अपने बेहतर आगाज के लिए उतरेंगी। इसके अलावा बात करें अगर अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीम की तो दोनों टीमों पर काफी नजरें रहने वाली हैं। अफगानिस्तान की टीम इस ग्रुप में काफी मजबूत टीम मानी जा रही है, तो ऐसे में अफगानिस्तान की टीम चाहेगी कि श्रीलंका के खिलाफ पहली जीत हासिल करके एक बेहतर शुरुआत एशिया कप 2022 में की जा सके। इसके अलावा आपको बता दें कि दोनों टीमों की प्रैक्टिस की तस्वीरें भी लगातार सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई। तमाम बोर्ड्स ने अपनी अपनी टीमों की प्रैक्टिस की वीडियो सोशल मीडिया पर फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसके बाद तमाम फैंस का कहना है कि टीमें पूरी तरीके से तैयार हैं और दोनों टीमें अपना बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा आपको बता दें कि दोनों टीमें दुबई के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने होंगी। इस स्टेडियम की बात करें और साथ ही पिच की बात करें तो इस स्टेडियम में एशिया कप का पहला मुकाबला खेला जाएगा। आईपीएल के भी कुछ मुकाबले यूएई में जब हुए थे तब दुबई में खेले गए थे, और ऐसे में यूएई की इस पिच की बात करें तो टॉस इस पिच पर काफ़ी मायने रखता है। इसके अलावा पिछले कुछ रिकॉर्ड्स को नज़र डालें तो टॉस इस पिच पर काफ़ी अहम हो जाता है। जानकारी के मुताबिक अब तक 13 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां 12 में पहले गेंदबाजी करने वाली टीम जीती है। तो ऐसे में दोनों टीमें चाहेंगी कि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी की जा सके। दोनों कप्तानों की नजरें होंगी कि टॉस जीता जाए और फील्डिंग चुनी जाए। इसके अलावा आपको बता दें कि पिच बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों के लिए ही बेहतर मानी जाती है, लेकिन यहाँ गेंदबाज काफ़ी हावी होते हुए नजर आते हैं और बाद में बल्लेबाजी करना बेहद मुश्किल हो जाता है। अगर शुरुआत में ही विकेट लगातार टीम गिरते चले जाएं तो दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में रनचेज में काफ़ी मुश्किलें आ जाती हैं। प्लेइंग 11 की ओर नज़र डालें तो संभावित प्लेइंग 11 में अफगानिस्तान की टीम के लिए नजीबुल्ला जदरान, हजरतुल्ला जजई, इब्राहिम जदरान, उस्मान गनी, रहमानुल्ला गुरबाज, मोहम्मद नबी, राशिद खान, मुजीबुर रहमान, नवीन उलहक, नूर अहमद और करीम जानत शामिल हो सकते हैं। बात करें श्रीलंका की संभावित प्लेइंग 11 की तो श्रीलंका की टीम के लिए पथुम निशानका, गुणथिलका, भनुका राजपक्षे, चरित असलंका, धनंजय डी सिल्वा, दानुशना का कप्तान, वानिंदु हसरंगा, महिषा तीक्षणा, चमिका करुणारत्ने, असिता फर्नांडो और जेफरी वेंडरसे शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा बात करें अगर फैंटेसी प्लेइंग 11 की तो इस टीम के लिए कप्तान के तौर पर राशिद खान को चुना जा सकता है, उप कप्तान के तौर पर पार्थुम निशंका को चुना जा सकता है और विकेट कीपर के लिए रहमानुल्ला गुरबाज बेहतर खिलाड़ी के तौर पर देखे जाते हैं। फैंटेसी प्लेइंग 11 में पार्थुम निशानका, रहमानुल्ला गुरबाज, चरित असलंका, जजरई, दानुश शनका, मोहम्मद नबी, राशिद खान, मानिंदु हसरंगा, नवीन उल हक और करुण रत्ने के साथ नूर अहमद को शामिल किया जा सकता है। क्या कुछ आपकी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स के अपडेट के लिए देखते रहिए वन इंडिया। नमस्कार।